जिद्दी है मुकद्दर बड़ा, जिद्दी है मुकद्दर बड़ा। जिन्हें मिलवाना होता है, जिन्हें मिलवाना होता है, मिलवा के ही दम लेता है, मिलवा के ही दम लेता है। ताईजा पर्दे। केवल काबुल शाही नहीं, पूरे काबुल की जिम्मेदारी अब आप पर है। यहाँ पे कैसे आया? ऐसा लगा किसी ने खींचा मुझे। फिर से वही ख्वाब, वही घोड़े, वही झलकियां। ये हो क्या रहा है मुझे? ये रहा कमजोर। देखिए अजीज, हम पूरे जहान में से ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे और ये कपड़े पहनकर तैरने गया था। अभी तैरने नहीं गया था, तैरने क्यों जाऊंगा मैं? हमें क्या पता तुम्हारे कैसे कैसे शौक है। वो तो एहसान मानो, तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं गए हम लोग। चलो सामान लपेटो अपना, वापस परवाज लौट रहे हैं हम लोग। क्या क्या परवाज? भाईजान हम तो काबुल शाही जा रहे थे ना। क्यों जाना है काबुल शाही? तुम्हारे फूफा का महल है वहाँ। काबुल शाही जाने के बारे में कुछ जहीन लोगों ने इसलिए सोचा था ताकि 40 चोरों से बचा जा सके, लेकिन अब वो 40 चोर परवाज आते आते लौट गए। पूछो उससे। हाँ बाबा, मैंने देखा उन 40 चोरों को अपनी आंखों से। पैर जम गए थे मेरे तो, सही कह रहा हूँ, सांस आनी रुक गई थी, तभी मैंने निकाला ये खंजर। पता नहीं क्या देखा उन्होंने ऐसा इस खंजर में, अचानक से पलट के भाग गए।
देखते हैं ये मुसीबत कब तक टलती है। न जाने काबुल शाही का नया सुल्तान क्या कारनामा करेगा। या खुदा, मैं जान देना चाहता हूं अपने, नहीं जी सकता हूं सुल्तान के बगैर। अगर एक बार खुदा कह दे कि सद्दाम तेरी जान के बदले सुल्तान की जान बख्श देगा तो मैं जान देता रहूंगा और लेता रहूंगा। अगर एक पैदाइश कम पड़ जाए पर सुल्तान की मोहब्बत मेरे दिल से कभी कम नहीं होगी। सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। कितने मत देना, सही वक्त पर अगर पकड़ा नहीं ना सर कलम करवा दूंगा मैं तेरा। मैं आ रहा हूँ सुल्तान, मैं आ रहा हूँ। ड्राइवर, ड्राइवर, नहीं खो सकते हम रहबर सुल्तान को। एक सुल्तान पहले ही काबू खो चुका है, दूसरा नहीं खो सकता। सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान सद्दाम जिंदाबाद, सुल्तान सद्दाम जिंदाबाद, सुल्तान सद्दाम जिंदाबाद। अब नीचे लोगे या? सुल्तान सद्दाम जिंदाबाद। बस बहुत हो गया, ठीक है। आप लोगों की मोहब्बत के सहारे ही जिंदा हूं मैं और शहजादी मरियम। शहजादी मरियम को तो सुल्तान की मौत का इतना सदमा लगा है कि वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकती। बहरहाल काबुल का सुल्तान होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि काबुल में अमन का परचम फिर से लहराएगा। बस मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि इस बार से आप सबको दुगना लगान भरना होगा। उन 40 चोरों ने शाही खजाना ही नहीं हमारे घर में जो कुछ भी था वो सब लूट लिया। मुझे शाही खजाने से मदद चाहिए। आप सबकी परेशानी समझता हूँ, इस बार दुगना लगान भरिए और काबुल का सुल्तान होने के नाते मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आप सबका लगान माफ कर दूंगा। ये जो दो चार खिलाफत कर रहे हैं आज रात, यजोद। सलाम सुल्तान। सलाम यजोद, तुम्हारे भाई मजूद के इंतकाल का बेहद ही अफसोस है हमें। अफसोस का यार लोग मनाते हैं सुल्तान, मैं इंतकाम लेने में यकीन रखता हूं। वाह वाह यजूद, तुम्हारा भाई मजूद अगर शहनाई था तुम तो तलवार निकले, शाबाश। यजूद इसी बात पर हमारे दो काम कर दो। पहला काम ये कि काबुल की हर एक गली में दो कोतवाल तैनात करो जिनका काम होगा हर किसी से दुगना लगान वसूल करना। और दूसरा और सबसे जरूरी काम ये, शहजादी मरियम को किसी भी हालत में हमारे पास ढूंढ कर लाओ। जी सुल्तान। चोरों के खौफ से एकदम खाली हो गया है हमारा परवाज। या खुदा सबको महफूज रखना। चलो चलो बच्चों,
किसने लिखाई है? किसने लिखाई है? हिम्मत है ना सामने आके बात करना। चिल्ला क्यों रहा है? जिसने भी लिखा है गलत नहीं लिखा है, बस गलत जगह पर लिखा है। मेरा घर है ये, कासिम का, तेरे उस फरे भी अबू का नहीं है। कम से कम आप तो ये बात बोलिए। क्यों ना कहूं, क्या किया है तेरे अबू ने हमारे लिए? अरे शाही गली में रहते थे हम लोग, उनके जादू की वजह से यहां मामूली गली में आ गए। अबू के झूठ की वजह से यहां से भी निकाले जाएंगे हम लोग। ये देख रहा है ना क्या लिखा हुआ? देखना क्या लिखा है। फरेबी मुस्तफा, धोखेबाज मुस्तफा, झूठा मुस्तफा। इधर आ, इधर इधर आ, इधर क्या लिखा है? गद्दार मुस्तफा। ये कमाया है तेरे अबू ने, तेरे उस फरेबी अबू ने। उनका दिया हुआ बदनामी का दाग तो तू साफ कर नहीं पाया, लेकिन मेरे घर की दीवारों पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसे घिस घिस कर साफ करना। उसके बाद ही मेरे घर में दाखिल होना। जाबाज, जाबाज, काबुल का कहरेदार, कहरेदार, कहरेदार। तू लिखेगा दाखिल, दाखिल, काबुल। जिसने भी लिखा है गलत नहीं लिखा है। कम से कम आप तो बोलो, बस गलत जगह पर लिखा है। फरे भी मुस्तफा, क्या किया तेरे अबू ने? झूठा मुस्तफा। इधर आ, इधर इधर आ, इधर क्या लिखा है? गद्दार मुस्तफा। ये कमाया है तेरे अबू ने, तेरे उस फरे भी अबू ने। चालीस चोर कहर बरसाने काबुल पर, घोल मरीद खफीस इफरत खास थे ना तुम लोग इबलिस के, तुम सबको जिंदा करने के लिए मुकद्दर को तोड़ दिया मैंने। तुम सबको जिंदा करने के लिए चांद को दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत नाकामयाबी लेकर मेरे सामने खड़े हो, आपके लिए अपने हाथों से अपना सर कलम करके आपके कदमों में रख सकते हैं। इफरत, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है देने के लिए, तुम सबकी रूह मेरी है, तुम्हारे सरगना इबलिस की है। जब तक मेरे नूरे निगाह को जिंदा करने वाला वो तलिस्मान ढूंढ कर मेरे कदमों पर नहीं रख देते, तब तक तुम सबको मरने की भी इजाजत नहीं है। वो लड़के जिसके हाथ में वो नायाब चीज थी, वो हाथ में तो नहीं आई ना, वो नायाब चीज जिसके लिए लोग मरने और मारने पर उतर आए हैं, कोई मामूली चीज नहीं है, वो है
इब्लिस का तलिस्मान, जिसमें थी इब्लिस की जान, इब्लिस की जान। उस तलिस्मान को ढूंढने के लिए हम खाक कर देंगे पूरे काबुल को। नहीं, उस लड़की की शक्ल किसी ने नहीं देखी है। दहशत में वो छुप सकती है, गायब भी हो सकती है। इसीलिए चोरी हम चोर नहीं, इंसान ही कर सकते हैं। इंसान बनकर जाओ इंसानों के बीच और ढूंढ कर लाओ वो तलिस्मान जो उस लड़की के पास है। मेरे नूरे ने कहा, ये मेरा वादा है आपसे, अगले 3 दिन में तलिस्मान हासिल करके रहूंगी मैं और आप फिर से जिंदा हो उठेंगे। मेरे नूरे ने कहा। मेरे अब्बू ने 40 चोरों को मारा था ना दादी? दादी मैं जानता हूं कि इकलौती आप हैं जिसे पूरा सच पता है, तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? ये तस्वीर, चांद के 2 टुकड़े क्यों बनाया आपने? आप हमेशा कहती थी खलल दरार, खलल दरार, दरारे खला हो गया। आपको पहले से पता था ना दादी? दादी मैं जानता हूँ आपको सब पता है, तो आप कुछ बताती क्यों नहीं? दादी मेरे सवालों के जवाब तो दीजिए। दादी बहती जुल्फों के पीछे छुपा है ये राज। बहती जुल्फें किसकी? जिसके सर पे खिला है, सतरंगी इंद्रधनुष। सतरंगी मतलब 7 रंग। लेकिन दादी इंद्रधनुष क्या है? ये किस जबान का अल्फाज है दादी? मतलब क्या इसका? इसका मतलब सिर्फ ये है अली कि तू अपने मुकद्दर की तरफ बढ़ रहा है। तेरे हर सवाल का जवाब तेरी ही तरफ बढ़ रहा है। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए बेसब्र हूं मैं दादी, लेकिन कोई तो हो जो मुझे ये सब समझने में मेरी मदद करे, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। यहां कोई ना कोई मदद जरूर करेगा हमारी। वो साथ, वो मदद, वो रास्ता बहुत जल्द मिलने वाला है तुझे अली। अपने मुकद्दर की तरफ बढ़ रहा है। तेरे हर सवाल का जवाब तेरी ही तरफ बढ़ रहा है। किस मुकद्दर की बात कर रही थी दादी? कौन सा रास्ता, कौन साथी है जो मदद करेगा मेरी?
दो अधूरे हिस्से एक दूसरे से है अनजान, वक्त और हालात लाएंगे जिन्हें पास।